Morning guys, welcome back to our new vlog. So we are back and welcoming you all to day first of 100 vlogs, 100 days guys. हमारा challenge 2.0 आज से start होते हुए दिखता हुआ हमें और देख सकते हैं जो है मैं आज जग चुका हूँ और सुबह सुबह जो है इतनी तेज धूप हो चुकी है एंड लाइक देख सकते हैं ये पूरा एकदम सूरज जो है ऊपर चढ़ चुका है लाइक अभी एकदम धूप निकल गया है और अभी से ही प्रतीत हो रहा है कि पूरा दिन हम लोग का कैसा जाने वाला है एकदम गर्मी और धूप से, क्योंकि जो है अभी जगने के बाद ही अचानक से जैसे मैं फ़ैन बंद किया रूम का एक ही बार लग रहा था धा मारने, और अब जो है सोच रहा हूँ जल्दी से जाके नहा लेता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है एंड अभी देख सकते हैं इधर तो बंद कर दिया हूँ सब और जा रहा हूँ नहाने, ब्रश व्रश करता हूँ, फ्रेश होके आता हूँ। अभी आग भी देख सकते हैं आप लोग कैसे हो रखा है, ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे सो के उठ के एकदम आ गया हूँ मैं इधर ही। ठीक है गाइस, तो मैं आता हूँ नहा वहा के रेडी होके फ्रेश होके। जो है मेरे नहाने वाने के बाद फ्रेश होने के बाद अब जो है इधर टीवी चल चुका है और यहाँ देख सकते हैं जो है ब्रेकफास्ट आ चुका है, आलू चने की सब्जी, गट्टे की सब्जी और ये आलू बैगन की सब्जी, और देख सकते हैं ये साथ में मेरे बादाम भी रख लिया है भुना हुआ और घी में एकदम था तो मैंने रख लिया, ये चावल भी एकदम टेस्टी टेस्टी और साथ में टीवी भी है। सो अब इंजॉय करेंगे गाइज खाते खाते, आप पूरा दिन बाकी है साथ में रहें। जैसे कि जो है अभी मुझे बहुत दिन से ज़रूरत पड़ रही थी एक किट बैग की बैडमिंटन में, जिसकी जो है ज़रूरत ही मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि जो सामान ले जाने में जो है नॉर्मल बैग में रख के लेके जाना पड़ता था जिसके कारण जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो जाते थे, शूज़ बाहर अलग प्लास्टिक में लेके जाना पड़ता था एंड उसके वजह से ले जाने में अलग अच्छा नहीं दिखता था। सो अभी जो है मैंने मंगा लिया है अपने लिए कुछ मस्त सा जो कि कहते हैं लिनिंग का किट बैग, और मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा है। देख सकते हैं गाइस, ये जो है हमारा बैग है जो किट बैग लिनिंग का, वो कुछ ऐसे टाइप के डब्बे में आया हुआ है और इसको जो है जब हम ओपन करते हैं देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर जो है ये ब्लू कलर का जो है मेरा लिनिंग का किट बैग आ चुका है यहाँ पे, जिसकी मुझे बहुत ही दिनों से जरूरत भी थी एंड प्रॉब्लम भी हो रहा था इसके नहीं होने के कारण। और देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है एंड आग से जाएगा, अब इसमें मेरा बैडमिंटन एंड एवरीथिंग अबाउट जो मुझे ज़रूरत पड़ता है शाम के लिए किट बैग में वो सब आ जाएगा, क्योंकि इसको बहुत ही बड़ा जो है ऑर्डर किया था मैंने, बड़े साइज में ऑर्डर किया था जो कि अब मेरे पास आ चुका है गाइस। देख सकते हैं जो है अभी जो है एकदम मैंने टू कर लिया है अपने बैग को और मैं निकलता हूँ अब खेलने के लिए, और बहुत ही मस्त जो है फीलिंग आ रहा है इसको लेके जाने के लिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का लग रहा है कि हाँ सही में अब लग रहा है खेलने जाऊँगा अब। ठीक है गाइस, तो आता हूँ खेल के, तो मैं आपसे मिलता हूँ फिर। गाइस आ चुका हूँ मैं अब खेल के और इधर जो है मैं इसको जो है निकाल देता हूँ एंड अब जो है बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, पूरा पसीना हो चुका है मुँह पर और जो है अब ये इधर कचरा फैला के इसको रखा हुआ हूँ, इसको हटाया नहीं था जाने के टाइम, और अब इसको जा रहा हूँ सफाई करूँगा, ड्रेस अनड्रेस करूँगा और उसके बाद फिर जो चेंज करूँगा और उसके बाद कुछ परिस्थिति के हिसाब से कुछ खाने को मिल जाएगा तो खा भी लूँगा गाइस। सो गाइस देख सकते हैं जो है अभी हम लोग जो है इधर घूम रहे हैं टहल रहे हैं, इस टाइम खाने के बाद थोड़ा सा सोचे बाहर टहल के आते हैं क्योंकि जो है इस टाइम हवा बहुत ही अच्छा चल रहा था। हाँ भले थोड़ा सा अंधेरा हो गया है तो पीछे, लेकिन लाइट थोड़ा सा था तो दिख रहा था। अभी चलते हैं रोड पे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं डालेंगे बस थोड़ा सा टहल लेते हैं, खाना पचेगा और उसके बाद घर में जाके सो जाएंगे। बाहर देख सकते हैं आ गए हम लोग अब रोड पे, और इधर इधर देख सकते हैं हम लोग जो है रोड पे हैं यहाँ पे, और एकदम बहुत ही अच्छा जो है फीलिंग आ रहा है, सुहाना मौसम एकदम मस्त सा है, जैसे कि मतलब रात के 10:30 वाला जो मौसम होता है उस टाइप का है। जग जाता हूँ लेकिन फिर कल रात भी ज़्यादा नहीं जग पाया था एंड लाइक अभी भी जो है देख सकते हैं मैं जग रहा हूँ, लेकिन 11:30 वाला जो मौसम होता है वो देखने का अलग ही वाइब है। चलिए अब थोड़ा सा टहल लिए हैं और हवा जो है खा लिए हैं और अब चलते हैं घर में, और उसके बाद देखता हूँ सोने की प्लानिंग कहाँ तक पहुँच चुकी है, दीदी ने जो है सब प्रिपेयर कर दिया है या फिर नहीं, और अगर प्रिपेयर कर दिया होगा तो डायरेक्टली जाके सो जाऊँगा, और अगर नहीं किया होगा तो फिर जाके उसकी हेल्प करूँगा या फिर उसको बोल के फिर प्रिपेयर करवाऊँगा। गाइस चलता हूँ घर में, तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे। गाइस एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी जब रूम में आ रहा हूँ, आने के बाद जब ये चीज़ दिख रही है मुझे तो एकदम जो है एक्सट्रीमली जो है मन खुश हो जा रहा है। जी देख सकते हैं लिनिंग का रैकेट भी रखा हुआ है, लिनिंग का बैग भी आ गया है मेरा, अब जो है एकदम पूरी तरीके से मस्त एकदम दिन हो गया है आज का। अब सोच रहा हूँ जल्दी से सो जाता हूँ, लाइक एकदम पूरा प्रिपेयर्ड हो चुका है
अब मन भी प्रिपेयर्ड है, एकदम बड़ी सोने के लिए प्रिपेयर्ड है। पूरा खेले थे तो उसके बाद बड़ी थक चुका था, आने के बाद घर में सोए हुए नहीं तो ज़्यादा रेस्ट मिला नहीं, और खा लिए थे डिनर करने के बाद। जैसे कि आप लोगों को दिखाई, मैंने थोड़ा सा टहलने लगा था, सोचा साइकिलिंग कर लेता हूँ, लेकिन किया नहीं। सो इस ब्लॉग में बस इतना ही गाइस, मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, डे वन एंड्स हियर। और ऐसे ही अमेजिंग मज़ेदार और फनी ब्लॉग्स को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, ब्लॉग्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।